किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है दोस्त कि भरोसा अगर दूसरे पे रखो तो गम दे जाती है और भरोसा अगर खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है। दोस्त भरोसा अपने ऊपर और अपने फैसले के ऊपर रखना कितना जरूरी है एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। सुरेश और उनके पिताजी शहर से एक गधा खरीद कर अपने गाँव जा रहा था। रास्ते में एक गांव में आराम करने के लिए वो थोड़े देर के लिए रुक गए। जब वो वहां से चलने लगे तो गांव के कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप में से एक आदमी गधे पर बैठकर यात्रा करे और दूसरे पैदल चले। पिताजी ने सुरेश से कहा, बेटा बात तो ये ठीक कह रहे हैं, एक काम करो तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। सुरेश ने कहा, ठीक है पिताजी। चलते चलते वो अगले गाँव में पहुँचे। वहाँ पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो वो बोले, देखो कितना नालायक बच्चा है, खुद गधे पर चढ़ा बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। जब सुरेश ने ये बात सुनी तो उसने अपने पिताजी को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। जब वो अगले गांव पहुंचे तो वहां भी कुछ लोग खड़े थे। उनको देखकर गांव वाले बोलने लगे, देखो कैसा निर्दयी बाप है कि छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर चढ़ा बैठा है। पिता ने ये बात सुनी तो उसने सुरेश से कहा, बेटा तू भी गधे पर बैठ जा। चलते चलते वो अगले गांव पहुंचे, वहां भी कुछ लोगों ने उन पर टिप्पणी की, देखो दो दो लोग एक निर्बल जानवर पर चढ़े बैठे हैं। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा अब तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है, जा जाकर एक बड़ा सा डंडा लेके आ। बेटा दौड़कर एक डंडा ले आया। सुरेश के पिता ने डंडे पर गधे को उल्टा करके बांध दिया और डंडे को अपने कंधे पर रखकर दोनों गधे को उल्टा कर चल दिए। वो एक नदी के पुल से गुजर रहे थे। वहां से गुजर रहे दूसरे मुसाफिरों ने जब उन्हें देखा तो वो सब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, आज तक गधे को इंसान को ढोते देखा था, आज इंसान को गधे को ढोते भी देख लिया। उनकी जोर की हंसी की आवाज से गधा बिदक गया और डंडा सहित नदी में गिरकर डूब गया। इस कहानी से जो सीख मिलता है दोस्त, हमें अपने फैसले पर भरोसा होना चाहिए। हम सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को अपने फैसले पर ही भरोसा नहीं है और वो सबको संतुष्ट करने के चलते अपने ही गोल से भटक जाते हैं और बाद में जाके अफसोस करते हैं और कहते हैं कि मैं उस टाइम में लोगों का बात ना सुन के, अपना मन की बात सुन के अगर कुछ कर लेता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलता। तो दोस्त, आप सुरेश और उसके पिताजी के जैसा गलती ना करें, लोगों का बातों पे मत चलिए, अपने खुद के फैसले पे डटे रहिए और जो भी सपना जो भी ड्रीम आप देखे हैं उसको पूरा करने के लिए डट के चलते रहिए, एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। बाकी दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।